भाइयों क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? वो देखो ऊपर खजूर के दरख्त पर एक आदमी चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो वो खजूरें तोड़ रहा है चोरी से? नहीं भाई, चोरी से नहीं, मालिक से पूछ कर चढ़ा था। तो फिर क्या मामला है? मामला ये है भाई कि वो किसी तरह कोशिश और हिम्मत से ऊपर तक तो पहुंच गया है, मगर अब उसे नीचे आने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो शोर मचा रहा है कि कोई उसकी उतरने में मदद दे। तो इन लोगों में से कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? भाई यही बात तो किसी की समझ में नहीं आ रही कि क्या तरकीब की जाए। अरे तो लाल बजकड़ को बुला लो ना, हमारे गांव में वही सबसे समझदार है, वो जरूर कोई तरकीब बता देगा। उसी को बुलाने के लिए एक आदमी गया है, अभी आता होगा। अल्लो, वो आ ही गया। लाल बजकड़ साहब, उस आदमी को ऊपर से कैसे उतारे? ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो मुझे बुला लिया, लेकिन पहले ये तो बताओ आदमी कहाँ है जिसको उतारना है? वो ऊपर खजूर के दरख्त पर। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो एक लंबी रस्सी बल्कि रस्सा ले आओ। लाल बजकड़ साहब, रस्सा तो मौजूद है। बस फिर कोई आदमी ऊपर चढ़े और रस्से का एक सिरा उस आदमी के अंदर लपेट आए। किसका? रस्से का। यही तो मसला है लाल बजकड़ साहब, हम में से कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करो रस्से के एक सिरे पर घेरा बांधो और उसे जोर से उस आदमी की तरफ उछालो। किसको? रस्से को। इससे क्या होगा? लाल बजकड़, मैं हूँ कहता हूँ। आप ही हो? बस फिर जैसे मैं कहूँ करते रहो, गिरा लगाओ पहले। ये लग गई क्या? अब ऐसा करो, अब तुम में से जिसमें ज्यादा जोर है वो ये रस्सा ऊपर फेंके। मैं फेंकता हूँ। एक, दो, तीन। शाबाश, सिरा उसने पकड़ लिया है। अब ऐसा करो, जब जिसकी आवाज ऊंची है वो उसे कहे कि इस रस्से को अपनी कमर के गर्द लपेट ले। कहाँ लपेट ले? कमर के गर्द। हाँ भाई, कहाँ लपेट ले? कमर के गर्द। भाई, रस्से के सिरे को अपनी कमर के गर्द लपेट लो। वो लपेट रहा है। अच्छा भाई, उससे कहो लपेट कर गिरा बांध ले। लपेट कर गिरा बांध लो। हाँ भाई, गिरा बांध ली। बांध ली। अच्छा तो अब ऐसा करो, तुम सब मिलकर उस रस्से को खींच कर दूर ले जाओ। शाबाश, और दूर, बस बस जरा और दूर। शाबाश, और खींचो, बस बस जरा और, जरा और। अरे ये तो मर गया। क्या हो गया? कौन मर गया? वही 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 आ जाओ। कैसे मर गया? लाल बजकड़ साहब, ये क्या हुआ? आपका तरीका तो गलत हो गया भाई। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, इस तरीके से रस्सा बांधकर अब तक मैंने 17 आदमी कुएं से निकलवाए थे, वो तो सब सही सलामत है। मारे भाई।